हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक क्राइसोफाइट्स। गाइस, किंगडम प्रोटेस्टा का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्राइसोफाइट्स, जहां से नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्राइसोफाइट्स एक ऐसे प्रोटेस्ट है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी एल्गी लाइक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, कौन कौन से सिंपल से कंसेप्ट हमको समझने हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी दैट इज डेसमिड्स। बच्चों, क्राइसोफाइट्स में दो ऑर्गेनिजम्स हमें स्टडी करने हैं, फर्स्ट इज डायएटम्स एंड सेकेंड इज डेसमिड्स। और डेसमिड्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों, गोल्डन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी तो सबने सुना होगा। ब्राउन एल्गी के साथ साथ अब हमें यहां पढ़ने को मिल रहा है गोल्डन एल्गी। गाइस, सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, गोल्डन एल्गी। कहां पाए जाते हैं गाइस क्राइसोफाइट्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट्स। जैसा कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं जनरली एक्वेटिक होते हैं, और गाइस एक्वेटिक होने के साथ साथ क्राइसोफाइट्स दोनों जगह प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है और कहां प्रेजेंट है बच्चों, मैराइन वाटर में। क्लियर दिस थिंग। अब वाटर में ये कैसे स्विम करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर से, आइए जान लेते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। गाइज, ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट। इसका सिंपल सा मतलब है गाइज, डाय एटम्स के पास, डेसमिड्स के पास ना ही फ्लैजला होता है ना ही सीलिया होता है। जिस डायरेक्शन में वाटर जाएगा ये पैसिवली बिना कुछ कहे उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं गाइस, हम उनको नाम देते हैं प्लैंकटॉन्स। क्या नाम देते हैं, प्लैंकटॉन्स। अगर ये प्लैंकटॉन्स एल्गी लाइक है, प्लांट लाइक है, तो इनका कैटेगरी कहलाता है फाइटोप्लैंकटॉन। ये अपना फूड खुद बनाएंगे। और अगर यही प्लैंकटॉन एनिमल लाइक है तो ये कहलाएंगे जू प्लैंकटॉन। क्या कहलाएंगे बच्चों, जू प्लैंकटॉन। तो प्लैंकटॉन्स की दो कैटेगरी, फाइटोप्लैंकटॉन जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जू प्लैंकटॉन्स जो दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। देखिए बच्चों, ये एक लाइन, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या सारे के सारे डायएटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, बिल्कुल नहीं, मोस्ट ऑफ देम, सारे के सारे नहीं होते। ओके, नाउ अब हम इनके सेल वॉल या सेल के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। इन डायएटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। एक शेल ये है, उसके ऊपर दूसरा शेल ओवरलैप कर रहा है, विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स लाइक पैटर्न। गाइस, पूरे एनसीईआरटी में ये जो वर्ड है सोप बॉक्स लाइक पैटर्न, हम घर पर सोप बॉक्स यूज करते हैं, यस और नो, आपका नहीं पता, हम तो यूज करते हैं। ओके, सोप बॉक्स कैसा होता है बच्चों, एक छोटी सी लिड होती है जिस पर हम सोप रखते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें जहां से वॉटर निकल जाता है, ऊपर से एक लिड और लगाते हैं। सेम पैटर्न पाया जाता है किसके सेल स्ट्रक्चर में, डायएटम्स डेसमिड्स यानी क्राइसोफाइट्स। और गाइस, ये सोप बॉक्स पैटर्न पूरे हमारे प्लांट एनिमल और पूरे किंगडम्स में सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, डायएटम्स। आगे देखिए, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। गाइस, सेल वॉल बनी होती है सिलिका की। अभी तक हमने सुना है सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल काइटिन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बट ये बिल्कुल अजीबोगरीब ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल किस चीज की बनी होती है बच्चों, सिलिका, यानी बालू की तरह मटेरियल होता है ये, और सिलिका की होने की वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। ये कैसी होती है बच्चों, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। कैसी होती है गाइस, इनडिस्ट्रक्टिबल। आगे देखिए, डायएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। This accumulation over billion of years is referred as a diatomaceous earth. Simple form में समझिए बच्चों, जब diatoms की death होने लगती है,
तो डाई एटम्स की जो सेल वॉल है, जो सिलिका की बनी है, वो सी के बॉटम पर जाकर कलेक्ट होने लगती है, एंड ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स, ये जो सिलिका की सेल वॉल है गाइज, बिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड में ये हमारे सी के बॉटम पर एक लेयर बना लेती है सिलिका की, जिस लेयर को गाइज हम क्या नाम देते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ। मैं आपको बता दूं, डायएटोमेशियस अर्थ को एक नाम और भी दिया जाता है, दैट इज किसल गुहर। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, किसल गुहर। क्लियर दिस थिंग। नाउ बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। गाइज ये जो डायएटोमेशियस अर्थ है, इसका यूज क्या है, ये पॉलिशिंग एजेंट की तरह काम करती है, और रिफाइनरी में जो ऑयल्स बनते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो सिरप्स बनते हैं, उनका जब फिल्ट्रेशन होता है, उनका जब प्यूरिफिकेशन होता है, वहां पर भी डायएटोमेशियस अर्थ यूज होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओशियन में सबसे ज्यादा 50% फोटोसिंथेसिस गाइस एल्गी करते हैं, और उन एल्गी में से एक कॉम्पोनेंट है हमारे डायएटम्स। इसलिए लिखा है गाइस कि डायएटम्स हमारे ओशियन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो गाइस दिस इज कंप्लीटली अबाउट द डायएटम्स। बाकी आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है बायोजी। थैंक यू सो मच।